पहला प्रश्न, प्रश्न के 51, सुमन कविता से लंबी है लेकिन राधा से छोटी है। तो सुमन ये आ गई आपकी, सुमन कविता से तो लंबी है, ऐसे हम कहो कविता से लंबी है तो केवी, ओके, लेकिन राधा से छोटी है, सुमन राधा से छोटी है, तो राधा इन तीनों सबसे बड़ी हो गई। गीता पूजा से छोटी है, अब यहाँ पे ले लो आप गीता, ये किससे छोटी है, पूजा से छोटी है, ओके ठीक है। तो इन दोनों के बीच का रिलेशनशिप कुछ इस ढंग से होगा, पूजा कविता जितनी लंबी नहीं है, मतलब कविता से तो छोटी है पूजा, तो यहाँ पे भी ऐसा निशान बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यदि ये सब एक पंक्ति में खड़ी हो ऊंचाई के अनुसार, तो मध्य में कौन होगा, तो देख लो आप मध्य में कौन आ रहा है, कविता, तो कविता हमारा आंसर दिया है ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी हमारा आंसर बन चुका है। ओके नेक्स्ट देखिए, 52 कहता है कुछ बालक एक पंक्ति में बैठे हैं, बाएं से 14वें स्थान पर, पी बाएं से 14वें स्थान पर है, ये रही जी रिलेशनशिप आपकी, ये रहा लेफ्ट सॉरी राइट और ये रहा लेफ्ट, ओके। पी बाएं से 14वें स्थान पर बैठा है, पी यहाँ पे बैठा है, बाएं से 14वां स्थान है इसका, ओके ठीक है। क्यू दाएं से 7वें स्थान पर बैठा है, यहाँ पे क्यू बैठा है, दाएं से इसकी पोजीशन क्या है, 7th है, ओके। यदि पी और क्यू के मध्य 4 बालक हैं, 1 2 3 4, ये 4 बच्चे हैं पी और क्यू के मध्य, यहाँ पे है क्यू, ये है पी, तो पंक्ति में कुल कितने बालक हैं। अब देखिए क्यू 7वें इस पोजीशन पे है यहाँ पे, और इसके 4 इधर को और हैं लेफ्ट में इसके, तो 7 और 4 कितने हो गए, 11, यानी कि पी की जो पोजीशन है वो क्या होगी, 12वीं इधर से, ओके पी की पोजीशन आपको मिल गई 12वीं। अब क्या होता है, फॉर्मूला होता है ये एल प्लस आर इज इक्वल टू टी प्लस वन, तो एल और आर किसकी पोजीशन है, पी की, पी की 2 पोजीशन दी है, लेफ्ट से कितनी दी है, 14, और राइट से कितनी दी है, 12, तो 14 प्लस 12 कितना हो जाएगा, और टी में से करेंगे हम 1, टी प्लस करेंगे पहले, उसके बाद 1 इधर को ले जाएंगे, तो टी की वैल्यू निकल आएगी, टी मतलब टोटल कितने स्टूडेंट थे, कितने बच्चे वहां पर हैं, तो 14 प्लस 12 26 - 1 25, तो आंसर कौन से हो जाएगा, पहला ऑप्शन। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट देखिए 53, यदि प्रिंट को हम लिखें ऐसे, तो ड्रिंक को हम लिखेंगे कैसे, तो प्रिंट को हमने लिखा आर यू एम एस जेड, इसका मतलब ये हो रहा है कि हर बार पी की पोजीशन में क्या किया हमने, 2 का चेंज कर दिया, पी था यहाँ पे जो भी, ठीक है, पी के बाद क्यू आता, क्यू के बाद आ रहा है, यानी कि पी की पोजीशन में 2 प्लस कर दिया हमने, आर की पोजीशन में हम क्या प्लस करें कि यू आ जाए, 3 प्लस कर दो, 3, ठीक है जी। ऐसे ही आई आया, उसके बाद आई की पोजीशन हम क्या प्लस करेंगे, 2 3 के बाद आप 4 प्लस कर दो, तो आई की पोजीशन होती है 9, 9 प्लस 4 13, ठीक है जी। तो पहले हमने क्या प्लस किया, 2, फिर प्लस किया 3, फिर प्लस किया 4, ऐसे ही चलता चला जा रहा था, ऐसे ही चलते चले जाते हैं, लेकिन एक देखने वाली बात यह कि यहाँ पे भी बीचों बीच आई है और इसमें भी बीचों बीच आई है, यानी कि आई के बदले यहाँ पे क्या आया, एम, तो यहाँ पे बीचों बीच क्या आएगा, एम आएगा, एम सब में दिया है, तो इससे कोई हेल्प नहीं मिलने वाली हमें। चलिए कहीं ड्रिंक के लिए हम कर लेते हैं, डी के जो भी पोजिशन डी की होती है, 4 होती है डी की पोजिशन, इसमें आप 2 ऐड कर दोगे, 6, छठा लेटर कौन सा होगा, एफ होगा, ठीक है। अगला लेटर है डी के बाद आर, तो आर की पोजीशन हमने 3 ऐड करना है, आर की पोजीशन होती है 18वीं अल्फाबेट्स में, 3 और ऐड कर दो, 21वां लेटर क्या आएगा, 21वां लेटर आता है यू, तो एफ यू से हमें आंसर मिलने वाला है, एम तो हमें पता ही है फिक्स है, एफ यू एम। उसके बाद एस, एन के बदले आया है एस, यानी कि पोजीशन में कितना चेंज होगा, 1 2 3, 2 3 4, तो हो चुका है अब तक 5, 5, तो एन के लिए यहाँ पे क्या लिया था हमने, एन के लिए एस लिया था, तो एफ के लिए यहाँ पे भी एन आ रहा है, तो एन के लिए एस ले लो, ठीक है, एफ यू एम एस, अभी भी आंसर नहीं मिला। चलिए के लिए 6 ऐड करना पड़ेगा आपकी बार, तो के लिए 6 ऐड करोगे तो के की पोजीशन होती है 11 6 17, क्यू आना चाहिए, तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, क्यू आएगा अगर एस के बाद, तो एफ यू एम एस क्यू, एस क्यू मतलब ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा 53 में, ओके ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो वो नंबर देखिए, इन परीक्षणों को देखना है, सभी अनुभव सुखद होते हैं, तो ऐसे करके आप एक ग्राफ टाइप बना, वो सॉरी आकृति टाइप की ड्रॉ कर लो, ये क्या कह रहा है, सभी अनुभव सुखद होते हैं, अनुभव जो है अनुभव आ ये क्या है, सुखद है, सबके सब सुखद हैं, ठीक है, पहला स्टेटमेंट हमने यहाँ रिप्रेजेंट कर दिया। दूसरा स्टेटमेंट क्या कहा, कुछ अनुभव सुखद होते हैं, तो कुछ अनुभव ये क्या है, सुखद हैं, तो ये हो गया सा, ये हो गया आ, ठीक है, ऐसा रिलेशनशिप बन गया, ओके। अब तीसरा चौथा रिलेशनशिप भी ले लेते हैं, कोई अनुभव सुखद नहीं होता, अनुभव ये है और सुखद ये है, तो कोई अनुभव सुखद नहीं, मतलब अलग अलग है, बिल्कुल ठीक है। और चौथा कहता है कुछ अनुभव सुखद नहीं होते, तो फिर से यही वाला रिलेशनशिप आ जाएगा, कुछ अनुभव तो सुखद है कुछ नहीं है, तो आ ये हो गया,
सही हो गया। अब क्या कहा इसने, यदि कथन चार सत्य है यानी कि कुछ अनुभव सुखद नहीं होते, अगर चौथा स्टेटमेंट सही है तो अब क्या हुआ, तो निष्कर्ष निश्चित रूप से कहा जा सकता है। क्या कह सकते हैं हम, अगर चौथा स्टेटमेंट वाला रिलेशनशिप है चौथा और दूसरा एक जैसे ही है, तो आप क्या कह सकते हो पक्के तौर पर कि एक और दो सत्य है। अगर दो सत्य है तो एक सत्य नहीं होगा, तो इसका मतलब पहला वाला तुम्हारा ऑप्शन हो नहीं सकता। एक असत्य है, बिल्कुल एक असत्य है, इसमें कोई शक नहीं। जब रिलेशनशिप ऐसा आ रहा है तो इनका इसका कोई मतलब नहीं है, तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल असत्य है, इसमें कोई शक नहीं है। तो इसके चांस है कि बी हमारा आंसर बन जाएगा। एक बार और वेरीफाई कर लेते हैं, दो असत्य है, दो दो सत्य हो ही नहीं सकता क्योंकि चौथे को हमने सत्य मान लिया, तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। अब डी पे चलते हैं। डी कहता है तीन सत्य है, तीन कैसे सत्य हो जाएगा, हो ही नहीं सकता। ठीक है, तीन सत्य नहीं हो सकता, सिर्फ दो और चार ही सत्य होंगे, दो और चार कहीं है नहीं। इसका मतलब बी ही हमारा आंसर है, बी के अलावा कोई आंसर हमारा पॉसिबल नहीं हो सकता। नेक्स्ट देखिए, राम पश्चिम की ओर चलना शुरू करता है, तो ये हो गई आपकी डायरेक्शंस, पश्चिम कहाँ होता है, पश्चिम, ये तो हो गया पूर्व, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, पूर्व को क्या कहते हो आप ईस्ट, और ये हो गया आपका वेस्ट, लेफ्ट हैंड साइड पे। अब राम पश्चिम की ओर चलना शुरू करता है, यहाँ से सपोज वो चलता है इस पॉइंट से, 0 पॉइंट से पश्चिम की ओर चलना शुरू करता है, मतलब इस तरफ आया है, 10 किलोमीटर 10 मीटर वो चला है, ए पे पहुंचा, ये पॉइंट ए है उसका, ओके, उत्तर की ओर मुड़ गया वो और 20 मीटर चला है, ठीक है 20 मीटर चला है। अब वो पहुंचा पॉइंट बी पे, पूर्व की ओर मुड़ गया अब और 10 मीटर चला, इस पूर्व की ओर मुड़ा, यहाँ से जो पूर्व की ओर मुड़ लेगा तो इधर जाएगा, इधर 10 मीटर वो फिर चला, ठीक है। अब वो सी पॉइंट पे पहुंच गया, सी पॉइंट ये है आपका, क्लियर। अब वह मूल बिंदु से कितनी दूर है और किस दिशा में है, तो मूल बिंदु पे ओ पे था वो, 0 पे, और 0 से पहुंच गया वो सी पे, ठीक है। तो यहाँ वो है, यहाँ से वो चला था, तो अब वो से 10 मीटर दूर है, वो भी नॉर्थ में है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, 56 नंबर कहता है, आनंद रानी का पुत्र है, ठीक है जी, आनंद है, ये कोई रानी है, इसका बेटा है आनंद ए, तो ए को हमने प्लस दिखा दिया क्योंकि मेल है, ये कंफर्म हो चुका है। राजीव रानी का भाई है, राजीव जो है कोई वो रानी का भाई है, ठीक है जी, ये कोई राजीव है जो रानी का भाई है, यानी ये बेबी मेल है, ठीक है। नेहा की एक बेटी है रश्मि, ठीक है, अब नेहा और रश्मि कहीं सीन में आ गए। राजीव की बहन है नेहा, राजीव की बहन है, यहाँ पे कोई नेहा है और नेहा की एक बेटी है जिसका नाम है रश्मि, क्या नाम है, रश्मि, ओके, नेहा की एक बेटी है रश्मि, अच्छा ये रानी थी, सॉरी रश्मि, ओके एम है ये, ठीक है, और ये क्या है एन, ये रानी है और ये क्या है रश्मि है, ओके। नेहा की एक बेटी है रश्मि, राजीव की बहन है, रश्मि किसकी बहन है, राजी नेहा की एक बेटी है रश्मि, नेहा राजीव की बहन है, नेहा राजीव की बहन है, ठीक है, ये है नेहा राजीव की बहन है, इसका मतलब रानी भी राजीव की बहन है, और इन दोनों बहनों का अकेला भाई है ये, ठीक है, इन दोनों के ऊपर हमने माइनस लगा दिया, ये दोनों बहनें हैं, ये भाई है, यानी कि तीनों बहन भाई हैं। अब क्या पूछा, आनंद का रश्मि के साथ क्या संबंध है, जाहिर सी बात है मौसेरा भाई है, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। अब क्या कहता, सीमा सुमित से आयु में दोगुनी है, 3 वर्ष पूर्व वह सुमित से आयु में 3 गुना थी, इस समय सीमा की आयु क्या है, सीमा और सुमित की बात चल रही है, चलिए ये है आपकी सीमा और ये है सुमित, ST कह दिया हमने इसको, 3 वर्ष पूर्व सुमित से वो 3 गुना थी, अभी वो दोगुनी है, तो हम ऑप्शन से जा रहे हैं, बेहद आसान सवाल है, ठीक है, अगर क्लिक कर गया आपको तो विदाउट कॉपी पेन भी हो सकता है सवाल। देखिए अंदाजा लगाना पड़ेगा आपको कौन सा आपका आंसर बनेगा, पहले हमने अंदाजा लगाया कि ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है, तो ऑप्शन बी के हिसाब से देख लेते हैं, आज वो दोगुनी है, सीमा की आयु पूछी है जबकि सीमा बड़ी है, ठीक है, तो अगर सीमा आज 12 साल की है तो सुमित आज कितने साल का है, सीमा तो उससे दोगुनी है, तो सुमित 6 साल का हो गया आज, 3 साल पहले क्या पोजिशन रही होगी, 3 साल पहले ये 3 साल का रहा होगा और ये 9 साल की रही होगी, तो ये 3 गुना थी, जो स्टेटमेंट कह रहा है बिल्कुल ठीक थी, इसका मतलब ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। तो ऐसे करके आप वेरीफाई करोगे, इसमें काफ़ी समय आपका बच सकता है ऐसे करके। अगला देखिए, 58 नंबर कहता है, निम्न की श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, तो 6, C, 7 और F इतने इतने दिया हुआ है, ओके, तो अब इसमें देखिए हो क्या रहा है, ये पहचानना ज़रूरी है, अगर हमने ये पहचान लिया तो आंसर कर सकते हैं आसानी से, ठीक है, ओके। अब आप देखेंगे 6 के बाद हम पहुंचते हैं 8 पे, 8 के बाद 11 पे, 11 के बाद 15 पे, 15 के बाद कहाँ जाएंगे, 6 से 8 में गए तो 2 चेंज हुआ था,
8 से हम 11 पे गए तो 3 चेंज हुआ, 11 से हम 15 पे गए तो 4 चेंज हुआ, 15 से हम जाएंगे तो 5 चेंज करके जाएंगे, 15 5 कितना हो जाएगा 20। ठीक है जी, अब यहाँ देखिए अक्षर के पे आते हैं। सी से हम गए एफ पे, सी की पोजीशन होती है 3, एफ की होती है 6, यानी कि 3 प्लस किया हमने यहाँ पे। अब एफ से हम जे पे पहुँचेंगे तो जे की पोजीशन होती है 10, एफ की होती है 6, यानी कि 4 प्लस करके गए। और जे से ओ पे जाएंगे तो जे होता है 10, ओ होता है 15, यानी कि 5 प्लस। ऊपर भी वही चल रहा है, 3 4 5 ऐसे ऐड करके चलते जा रहे हैं, बढ़ाते चले जा रहे हैं। तो ओ के बाद एक और बढ़ा देंगे, 6 प्लस करेंगे हम तो ओ पे 6 प्लस करेंगे तो 15 6 21 भी पोजिशन पर आता है यू। तो 20 यू हमारा आंसर बनना चाहिए, लेकिन अभी भी हमें कंफ्यूज कर रहा है ए और बी ऑप्शन। ठीक है जी, तो हम चलते हैं दूसरी संख्या पे, 7 है यहाँ पे, और 7 से हम 10 पे कैसे पहुँचेंगे, +3 करके। अब यहाँ पे 10 है, 10 से 14 पे कैसे पहुँचेंगे, +4 करके। ठीक है, 14 से हम 19 पे कैसे पहुँचेंगे, +5 करके। तो 19 से आगे हम कैसे जाएंगे, +6 करके जाएंगे, तो +6 19 6 25, तो 20 यू, और यहाँ पे क्या आएगा 25, 20 यू 25 हमारा आंसर बनेगा। ऑप्शन कौन सा सही होना चाहिए, बी। अब देखिए 59 से 61 के बीच जो सवाल हैं उनका आंसर आपने इस स्टेटमेंट पे बेस्ड देना है, इस स्टेटमेंट को पहले पढ़ना है, फिर इन 3 सवालों के आंसर आप दे सकते हैं। ठीक है, ओके। तो क्या कहता है, ये 5 नाटक होने हैं सोमवार से शुक्रवार, 5 ही दिन है, 5 ही नाटक होने हैं। ओके, अब क्या होता है, दूसरा स्टेटमेंट कहता है सी का मंचन ए के ठीक बाद होना है, सी का जो मंचन होगा नाटक सी का, वो ए के बाद होगा, तो ए के बाद सी आएगा। ठीक है, तथा सी और डी के बीच दो नाटकों का मंचन होना है, सी तो यहाँ आ गया, अब डी को हम कहाँ रखें, तो सी के बाद 2D की पोजीशन छोड़ दो, सी के बाद डी आएगा इसके हिसाब से, और बी का सर्वप्रथम मंचन होगा, तो बी ए सी, और 5 तो एक पुल है, 4 तो ऑलरेडी आ गया, 2 स्पेस छूट गए तो 6 हो गए, तो ये तो ऑर्डर सही नहीं है। अभी इस ऑर्डर को चेंज करने की कोशिश करते हैं, बी तो सबसे पहले आना ही है। ठीक है, अगर हम ए की जगह डी रख दें, ठीक है, उसके बाद ई को बैठा दें, ए को बैठा दें, और लास्ट में रख दें हम सी, तो हमारा सही हो जाएगा क्या ऑर्डर, देखिए सही हो जाएगा, ये सी का ए के बाद हो रहा है, ठीक है, करेक्ट हो गया। और आगे क्या कहता है, सी और डी के बीच दो नाटकों का मंचन होना, सी और डी के बीच में दो नाटक हो गए जी, ठीक है, बिल्कुल बी सबसे पहले होगा, तो बी भी सही है, मतलब ये तीनों स्टेटमेंट को सेटिस्फाई कर चुका, तीनों कंडीशंस को, स्टेटमेंट नहीं, क्योंकि दूसरे स्टेटमेंट में दो कंडीशंस हैं, टोटल 3 कंडीशन है, 3 की 3 कंडीशन सेटिस्फाई आप कर दी हैं। अब हमसे पूछा है सी किस दिन वंचित मंचित होगा, तो सी लास्ट में होगा, यानी कि फ्राइडे होगा, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा आपका। ई और बी के बीच कितने नाटकों का मंचन होगा, 60 नंबर कहता है, ई और बी के बीच में, तो ई ये है और बी ये है, तो एक का होगा, तो देखिए आंसर कौन सा बनेगा, पहला बनेगा 60 का आंसर। ठीक है जी, अब क्या कहता है, एक और रह गया सवाल हमारा, वो भी देख लेते हैं, नाटकों के मंचन का सही ऑर्डर क्या होगा, तो हमने देखा सही ऑर्डर था बी डी ई ए सी, ओके, तो ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। 62 नंबर देखिए, यदि अगस्त की 28 तारीख को रविवार है तो 22 दिन पहले सप्ताह का कौन सा दिन होगा, तो आप जानते हो कि जो 7 तारीख होती है, 7 तारीख को जो भी दिन होगा, 7 के बाद 14 का भी वही दिन होगा, सॉरी 7, ठीक है, 7 8 15, ओके 7 आप इसमें ऐड कर दोगे तो क्या होगा, अगली बार वही दिन हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो 28 तारीख को रविवार है, तो इसका मतलब ये है कि 21 7 28, ओके 7 14 21 28, 7 14 21 और 28, इन सबको क्या था, रविवार, संडे था जी, संडे 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 एंड संडे। इसने हमसे पूछा 22 दिन पहले कौन क्या तारीख रही होगी, 6 तारीख को, 6 तारीख को क्या रहा होगा, सैटरडे, ओके, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 63 कहता है, घड़ी में 8:20 हो रहा है, तो उस वक्त घंटा और मिनट की सुई के बीच का कोण क्या होगा, तो शॉर्टकट क्या होता है जी, शॉर्टकट हमारा होता है एम, यानी कि मिनट, इंटू 11/2 माइनस आर इंटू 30, तो आर मतलब 8 बज गए हैं, तो एच की जगह हम क्या लिखोगे, 8, 8 लिखेंगे तो 8 इंटू 30 240, 240 हो गया, और इसके बाद क्या लिखेंगे हम, 20 मिनट, 20 मिनट, तो 20 इंटू 11/2 यानी 11 इंटू 10 110, ठीक है, तो ये आ गया 110 माइनस 240, यानी कि 130 डिग्री माइनस का 130, इसका मतलब ये हुआ, देखो दो एंगल बनते हैं हमेशा घड़ी के सुइयों के बीच में, एक तो ये है देखिए, जैसे ये घंटे की सुई, ये आपकी मिनट की सुई है, ओके, तो एक एंगल इधर से इधर, ये क्या है, अल्फा है,
तो अपोजिट डायरेक्शन क्या होगा, बीटा कह लो आप इसको, ठीक है। तो एक अगर 130 का है तो दूसरा कितना हो जाएगा, 130 को आप माइनस करो 360 में से, 130 230 का हो जाएगा। ओके, तो ना 230 तो यहाँ है ही नहीं, सिर्फ 130 दिया है हमें ऑप्शन में, तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा हमारा, सी। बहुत अच्छे सवाल हैं, कुछ थोड़ा बहुत परेशान कर रहे हैं लेकिन ज़्यादा परेशान करने वाले सवाल है नहीं है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, 7 का 49 हो गया यानी कि वर्ग हो जा रहा है अपोजिट जाने पे, ठीक है। तो यहाँ पे 13 के अपोजिट जाएंगे तो इसका भी वर्ग कर देते हैं, तो 169 हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 65, तो यहाँ पे ये हो रहा है, इसका वर्ग करो इसका वर्ग करो, दोनों को ऐड कर दो तो ये मिल जाएगा हमको 20। ऐसे यहाँ पे हो रहा है तो यहाँ पे भी यही कर देते हैं, 1 का वर्ग 7, 1 और 7 का 49 यानी कि 50 हो गया, तो 50 हमारा आंसर होगा, ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट देखेंगे आप, 66 एक समूह के 8 सदस्यों ने एक दूसरे से एक बार हाथ मिलाया, जब एक बार आप हाथ मिलाओगे तो फॉर्मूला लगेगा एन इंटू एन माइनस वन अपॉन टू, तो एन क्या है 8, ठीक है, 8 इंटू 8 माइनस 1 मतलब 7, 8 7 56/2 यानी कि 28 हमारा आंसर होगा। और ये कहाँ पे मिल रहा है हमें, 28 मिल रहा है जी ऑप्शन डी में। अगर यही होता गिफ्ट लेने वाला मसला, सवाल होता गिफ्ट लेने देने का, दोनों एक दूसरे को गिफ्ट देते एक एक बार, तो आंसर क्या आता हमारा 56 आता, क्योंकि वहां पे बटे दो नहीं होता, एन इंटू एन माइनस वन होता फॉर्मूला फिर हमारा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, कुछ एडिशनल फैक्ट जो हम आपको बता रहे हैं, बाकी आप प्रैक्टिस को बाद में भी कर सकते हो, हमारे और बहुत सारे लिंक्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, साथ ही साथ हम कुछ और लिंक शेयर करेंगे हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जो जीएस मैथ्स और रीजनिंग से रिलेटेड होंगे, उनके शॉर्टकट्स वगैरह होंगे, जिनसे आप ना सिर्फ कन्फ्यूजन से बच सकते हो बल्कि टाइम भी बचा सकते हो, कॉन्फिडेंस बूस्ट अप कर सकते हो अपना किसी भी कॉम्पिटिशन को क्वालिफाई करने के लिए, इंक्लूडिंग IAS। ओके, एंड वन मोर थिंग, आप चाहें तो बहुत सारे क्वेश्चन पेपर भी हमारे इन लिंक से डाउनलोड कर सकते हो, हम बहुत सारे लिंक शेयर करते हैं अलग अलग वेबसाइट्स के, जहाँ पे आपको पेपर क्वेश्चन पेपर या तो फ्री मिल जाता है या बहुत कम रेट पे मिल जाता है, ठीक है। ऐसे ही स्टडी मटेरियल का भी है, स्टडी मटेरियल भी आपको कुछ फ्री में मिल जाएगा, कुछ बहुत ही कम रेट पे मिल जाएगा। नेक्स्ट सवाल 68 नंबर क्या कहता है, 67 छूटा अभी, इसको हमने पुनर्व्यवस्थित करके अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लिखें, तो आपको मूल शब्द के समान ही कितने अक्षरों की एक समान स्थिति मिलेगी। तो अगर आप इसको अरेंज करोगे तो ABCD, ओके, तो सिर्फ दो ही अक्षर आप इसको करके देख लें, दो ही अक्षरों की समान स्थिति मिलेगी, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगी, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इसको हम डिटेल में नहीं कर रहे हैं, आप कर लेना, अगर कोई शक हो कुछ भी तो आप कमेंट में जरूर कर देना, ताकि हम उसको दोबारा देख लें, क्योंकि थोड़ा वीडियो छोटा करने चक्कर में लगे हुए, इसलिए इसको हमने डिटेल में जाकर नहीं देखा। 68 नंबर कहता है, 4 बच्चे एक पंक्ति में बैठे हैं, ठीक है जी बैठा रहे दो, पी क्योंकि बगल वाली सीट पर बैठा है, पी कहाँ पर बैठा है, पी क्यू की बगल वाली सीट पर बैठा है, यानी कि पी बैठा है तो पी के साथ यहाँ पे क्यू बैठा होगा, ठीक है, लेकिन आर के बगल में नहीं है, पी क्यू की तो बगल में है लेकिन आर की बगल में वो नहीं है, मतलब यहाँ गैप है, आर की बगल में नहीं है, मतलब आर यहाँ भी हो सकता है, ओके, और आर के बगल में, यदि आर एस के बगल में नहीं बैठा है, अब अगर आर हम यहाँ बैठा देते हैं तो बचता हमारे पास क्या, सिर्फ एस, एस तो इसका मतलब ये तो सही ऑर्डर नहीं है, अरेंजमेंट बदल के देखते हैं इनका, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले एस रख देते हैं, फिर पी, उसके बाद क्यू एंड देन आर। अब देखते हैं कंडीशन सब की सब सेटिस्फाई हो रही है या नहीं, पी क्यू की बगल वाली सीट पर बैठा है बिल्कुल ठीक है, लेकिन आर के बगल में पी नहीं है बिल्कुल ठीक है, यदि आर एस के बगल में नहीं बैठा, आर भी एस से दूर है, ठीक है बिल्कुल सही है, तो एस के बगल की सीट पर कौन बैठा है, तो एस के बगल की सीट पर तो पी बैठा है, ओके केवल पी, तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा जी, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ओके नेक्स्ट देखिए 69 कहता है, कोड भाषा में दिल्ली को लिखा गया ऐसे, कोलकाता को ऐसे, तो उसी भाषा में होटल को लिखेंगे हम कैसे, तो एच कहाँ पाया, दिल्ली में आया है एच, और एच के लिए क्या यूज किया गया कोड, एच के लिए 4 यूज किया गया, तो होटल में एच आ रहा है सबसे पहले, तो 4 से तो ये शुरू होगा नो डाउट, लेकिन एल आ रहा है होटल में, और एल कहाँ पे आ रहा है, कोलकाता में, KOL, तो एल के लिए क्या यूज़ किया गया, एल के लिए कोड यूज़ किया गया 3, तो ये 3 पे एंड होगा, 4 से शुरू होगा, तो 4 से शुरू होकर 3 पे कौन सा एंड हो रहा है, बी, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। इससे ज़्यादा समय लगाने की इस पर आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपके लिए समय बहुत मूल्यवान होता है ऐसे में जब आप एग्जाम दे रहे होते हैं। 70 नंबर देखिए, एक पार्टी आयोजित की गई है, इसमें दादी और ये सब हैं, तो क्या क्या होगा जी, उसमें कौन कौन महिला होगी, दादी भी तो महिला है, तो एक तो दादी हो ही गई, ठीक है, एक माता जी हो गई, दो हो गई, 4 भाइयों की 4 पत्नियां हो गई, ओके, और 4 भाइयों की 2 2 बच्चियां हो गई, ओके, तो 4 इंटू 2, 4 इंटू 2, 4 दूनी 8 प्लस 4 12 और 2 14, तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन होगा आपका बी सही। ओके नेक्स्ट देखिए 71 कहता है, श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आने वाला है,
वी एच के एन क्यू और ये ओके। तो बी से अगर हम एन पे गए, वी से सॉरी के पे गए, तो क्या ऐड किया हमने, 9, यानी बी की जो पोजीशन होती है 2 होती है और के की होती है 11, 2 ऐड हो गए। ई से फिर हम गए एन पे, ये है यहाँ पे, इससे गए एन पे, तो ई और एन के केस में ये हो गया, इनकी पोजीशन होती है 14 और ई की होती है 5, फिर से 9 ऐड किया, यानी कि हर बार हम जो है 9 ऐड करके अगले नंबर पे पहुंच जा रहे हैं, अगले अक्षर पे पहुंच जा रहे हैं। ठीक है, तो अब हमें यहाँ 3 अक्षर भरने हैं। तो टी के बाद टी की पोजीशन क्या होती है, 20, 20 में 9 ऐड कर दोगे तो क्या पोजीशन बनेगी, 29वीं। 29वां लेटर कौन सा होता है, सी, 26 तक तो जेड ही आ जाएगा और ए बी सी, तो सी से हम शुरू करेंगे। ठीक है जी, अब सी से एक ही शुरू हो रहा था, आंसर तो हमारा आ गया है ए। बाकी आप चेक कर लेना, कोई दिक्कत आए तो कमेंट जरूर कर देना। ठीक है जी, अब 72वां नंबर देखिए, 72वां नंबर पे क्या कहता है कि ये फिल करना है, अगर हम फिल कर दें तो ये हमें बन जाएगा बी वाला, फिल कर दें तो बी ए करके बाबा बाबा करके जो है 4 बार आएगा और ये क्रम कंप्लीट हो जाएगा, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो गया हमारा। अब 73 देखिए, आकृति भेज दें, ये नॉन वर्बल रीजनिंग कहलाती है, तो यहाँ पे क्या होने वाला है, जो आकृति अंदर है, यहाँ गोला है तो अगली बार गोला बाहर आ गया, ठीक है, फिर यहाँ अंदर क्या है, ये आयत, तो आयत बाहर आ गई, अगली बार अंदर क्या है, त्रिभुज, तो त्रिभुज बाहर आ गया और एक नई आकृति अंदर आ जाती है। अब यहाँ पे त्रिभुज जो अंदर आकृति है वो तो बाहर आने वाली है, तो कहाँ पे आ रही है, वो आ रही है डी में, तो डी आंसर बन जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट देखें, आप नेक्स्ट में क्या हो रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज चल रही है, ये त्रिभुज यहाँ था, अगली बार कहाँ चला गया, एंटी क्लॉकवाइज घूम करके यहाँ आ गया, ठीक है, तो ये जो स्क्वायर था यहाँ का वो चला गया, ये भी एंटी क्लॉकवाइज घूमा, ठीक है, और ये जो था ये आकृति भी एंटी क्लॉकवाइज घूमी, इधर चली गई, और जो यहाँ था माइनस वो भी एंटी क्लॉकवाइज, सब कुछ एंटी क्लॉकवाइज घूमा है, और जो तीर के निशान थे इसके अंदर उनका क्या हुआ, वो भी एंटी क्लॉकवाइज घूमे क्या, नहीं एंटी क्लॉकवाइज अगर घूमेंगे, सिर्फ एक एक घुमा है, दूसरा तो वहीं का वहीं बना हुआ है, ठीक है, अगर हम एंटी क्लॉकवाइज घुमाए तो इधर आता है, इधर तो यह आया नहीं है। ओके ठीक है, अगली बार क्या हुआ, चलो पहले इनसे देख लेते हैं, जो त्रिभुज हमारे वो घूमेंगे और घूम के हम आंसर शायद दे जाएंगे, तो यहाँ पे अगर हम त्रिभुज घुमा दें तो त्रिभुज तो पहुंच जाएगा कहाँ पे, यहाँ पे, ओके, और ये स्क्वायर पहुंच जाएगा यहाँ पे, तो ऐसा कहीं पे है त्रिभुज, यहाँ पे स्क्वायर यहाँ पे, ठीक है, और स्क्वायर के आगे क्या आना चाहिए, माइनस आना चाहिए, कहाँ पे माइनस, यहाँ पे था तो माइनस यहाँ पे आ जाएगा। अब देखते हैं ये पोजिशन कहाँ पे बनती है, त्रिभुज यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ, तो ये सिर्फ यहीं पे बन रही है कहीं और बन रही है, आई थिंक यहीं पे बन रही है, तो डी ऑप्शन ही हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे कुछ ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है कि एरो किधर जा रहा है, फिर भी एक बार आप चेक कर लेना, हम तो थोड़ा जल्दी में कर रहे हैं, तो हो सकता है गलती हो भी जाए। ठीक है, अगली आकृति में फिर से देखिए, कुछ ऐसा ही दिया हुआ है, ये षटभुज दिया हुआ है और उसके भुजाओं के बीचों बीच तिल्लियाँ लगी हुई हैं, बिल्कुल भुजाओं के बीचों बीच ये तिल्लियाँ जो हैं इशारा कर रही हैं, ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पर हम तिल्लियाँ लगा देंगे इसमें, और ये तिल्लियां जो भुजाओं के बीच बीच इशारा करनी चाहिए, मिलनी चाहिए, तो इसका मतलब ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे आप 76, 76 में दिक्कत ये है कि कोई भी शायद स्वेट नहीं बैठेगा इसमें, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं ये और ये एक दूसरे की पोजिशन बदल दे रहे हैं, इस वाली आकृति में पहुँचती, ठीक है, लेकिन एज इट इज़ है, उसकी जगह वो आ गया, उसकी जगह वो आ गया, अगर इसको हम एक नंबर कहें, इसको दो नंबर कह दें, इसको तीन नंबर, इसको चार नंबर, ठीक, तो एक और दो तो सेम है लेकिन बदल गए अपनी पोजीशन, यहाँ दो आ गया तो यहाँ पे एक आ गया, लेकिन चार यहाँ पर उल्टा होकर आ रहा है, ठीक है, और ये तीन हो गया तो तीन उल्टा, लेकिन ऐसी पोजीशन कहीं और यहाँ पर आकृति मिल नहीं रही उत्तर आकृति में, इसलिए डाउटफुल क्वेश्चन है, इसको एक बार और गौर से देख लेना, अगर किसी का आंसर सही आता है जरूर कमेंट करना, हम इस पर दोबारा से विचार कर लेंगे। अब 77 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है, 77 नंबर सवाल में ये ए सी एफ जे और इस ऐसा करके आगे कौन सा लेटर आने वाला है वो हमें बताना है, तो आई गेस इसमें कोई मुश्किल तो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप देख रहे हो ए से हम सी पे पहुँचे, पहुँच गए, फिर एफ पे पहुँचे, फिर जे पे पहुँचे और आगे आगे हमने बताना है कहाँ पर जाए, ए से सी पे पहुँचेंगे तो 2 प्रेस करेंगे, सी से एफ पे पहुँचेंगे 3 प्रेस करेंगे, एफ से जे पे प्रेस पहुँचेंगे तो 4 प्रेस करेंगे, अब जे में 5 प्लस कर दो और जो आ जाए, जे में 5 प्लस करेंगे, जे होता 15, 5 10, जे होता 10, 5 प्लस करेंगे 15, 15 होता है ओ, और 15 में 6 प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा यू, 21, ओके, तो ओ यू हमारा आंसर होना चाहिए और ये है सी में। नेक्स्ट आप देखेंगे 78 नंबर में से कौन सा शब्द इनके समान है, तो इन सबसे नुकसान होता है, भूस्खलन से नुकसान होता है, बाढ़ से नुकसान होता है, चक्रवात से नुकसान होता है, कहीं से भी फ्रूटफुल नहीं होते, ह्यूमन बींग के लिए फायदेमंद नहीं होते, तो इनके समकक्ष हम किसे रख सकते हैं, भूकंप को, ठीक है, ये भी नेचुरल है और भूकंप भी नेचुरल है, अदरवाइज दुर्घटना में भी किसी को फायदा नहीं होता। ओके जी, नेक्स्ट देखिए 79, बस स्टैंड से दिल्ली के लिए हर 30 मिनट में बस निकलती है, पूछताछ खिड़की पर क्लर्क ने एक यात्री को बताया कि 10 मिनट पहले बस जा चुकी है और अगली बस 9:35 पर आएगी,
ठीक है, आधे घंटे बाद जाती है, इसका मतलब 9:05 पे बस ऑलरेडी निकल चुकी है, और इस समय कितना समय होगा, 9:15, तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। 80 नंबर देखिए फिर से, ऑड वन नहीं, नेपथ्रीन का संबंध ऊनी वस्त्रों से क्या है, कि नेपथ्रीन ऊनी वस्त्रों को सुरक्षित रखती है, तो ऐसी एंटीबायोटिक क्या करती है, शरीर को सुरक्षित रखती है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 81 देखेंगे, किसी न किसी तरह से समान है, चौथा एक अलग है, विजाति को हमने पहचानना है, तो विजाति क्या है, पीतल, क्योंकि ये एक मिश्र धातु, ये सभी क्या है, धातुएं हैं। अब देखिए, हिंदी अंग्रेजी और संस्कृत के अपने अपने ज्ञान के संदर्भ में 1000 व्यक्तियों का एक सर्वेक्षण और उसके परिणाम दिए हैं, तो हमसे पूछा गया है सभी तीन भाषाओं को जानने वाले और संस्कृत नहीं जानने वाले व्यक्तियों का अनुपात क्या है, सभी भाषाओं को जानने वाले कौन है जो बिल्कुल बीचों बीच और तीनों गोलों के बीच में है, ये हैं 100 लोग, इन लोगों के साथ अनुपात किसका बताना है हमने, जो संस्कृत नहीं जानने वाले हैं, तो संस्कृत एस से दिखाया हमने, और संस्कृत ना जानने वाले कितने लोग हैं, ये सभी लोग हैं, 200 ये हो गए, 120 हो गए, और 220 हो गए, कितने हो गए, 540, इन दोनों का रेशियो लोगे तो 5:27 आंसर ए सही है। 83 कौन सा शब्द अंग्रेजी शब्दकोश में चौथे स्थान पर आएगा, तो ये तो आप अरेंज कर ही लोगे, ठीक है। अब 84 नॉट सबसे, दो वर्णों का प्रयोग करके अंग्रेजी कितने सार्थक शब्द बनाए जा सकते हैं, तो ऑन बन सकता है, नो बन सकता है, और टू बन सकता है, तो ऑप्शन ये सही हो गया। पार्किंग स्थल में 36 वाहन एक पंक्ति में पार्क किए गए हैं, पहली कार के बाद एक स्कूटर है, दूसरी कार के बाद 2 स्कूटर हैं, और ऐसे ही तीसरी कार के बाद 3 स्कूटर, चौथी कार के बाद 4 स्कूटर, ऐसे करके अरेंज किया, तो पंक्ति के आधे भाग में स्कूटरों की संख्या कितनी होगी, दूसरे आधे भाग में पूछा है। आप अगर चाहो तो थोड़ी सी हिम्मत करके ऐसे करके इसको ड्रॉ कर लो, पहले कार रखी है उसने, फिर 1 स्कूटर, फिर कार, तो 2 स्कूटर, फिर कार, तो तीसरी कार के बाद 3 स्कूटर, चौथी फिर कार, और उसके बाद 4 स्कूटर, तो आप देखोगे कि अगले हाफ में जो 18 व्हीकल होंगे उनमें से 3 तो होंगी कारें, छठी होगी, सातवीं होगी और 8वीं होगी, और बाकी होंगे 15 स्कूटर्स, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। उस संख्या का पता लगाएं जो खुद में 13 बार जोड़ने पर 112 देती है, तो 8 वो संख्या होगी, इसमें आप 13 × 8 और जोड़ दो, 13 × 104 + 8 112 हो जाएगा, ऑप्शन बी सही होगा। अब आप नेक्स्ट सवाल पे चलें। ओके, यहाँ पे फिर से एक आकृति दी है, पता करना भिन्न कौन सी है, तो देखिए इन सब में कौन हैं, कौन बन रहे हैं और इसमें कौन नहीं है, गोला तो अलग हो गई होगा, ठीक है, अगला भी कुछ ऐसा ही है, तो यहाँ पे देखेंगे ये आकृति जो सबसे अलग है, क्योंकि दोनों ओपन माउथ जो हैं वो एक दूसरे की ओर हैं और कहीं पे भी नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे आप 89 में लाइनों के नंबर बताना है, तो आप ऐसे देखें 1 2 3 4 तो ये हो गई, ऐसे इधर से जाओ 1 2 3 और 4 ये हो गई, 8 तो ऐसी हो जाती है सीधे तौर पर, आप कौन कौन सी बची थी 8 के अलावा देखेंगे आप, तो ये भी 9 10 11 12 13, तो 13 दिया है ऑप्शन बी में। अगली आकृति देखिए 90 नंबर, तो ये कहाँ छुपी है, ये डी में छुपी है, आप देख सकते हैं, थोड़ा जोर लगाओगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। 91 देखिए कौन सी आकृति इसको पूरा कर देगी, तो ये वाली आकृति इसको पूरा कर देगी, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हो ये पूरा कोने पे जाकर के ये वाली लाइन नहीं मिलती, ये चिपक के जाती है यहाँ से जा रही है, ठीक है, तो ऐसी आकृति आपकी डी है। अगर कोई गलत हो रही नहीं, कई बार दो ऑप्शन भी आ जाते हैं तो बता देना प्लीज़। आकृति में दर्पण प्रतिबिंब में बताना, तो दर्पण प्रतिबिंब जो हम निकालते हैं तो हम क्या करते हैं 23:60 माइनस कर देते हैं जो भी टाइम दिया होता है, 23:60। अब यहाँ पर टाइम क्या हो रहा है, 7:12, 7 मिनट 12 सेकंड, 7:12 को हम यहाँ पर माइनस कर दें इसमें से, यहाँ पर हम लिखेंगे 7, यहाँ पर लिखेंगे 12, तो ये 48 और ये 16 48, मतलब 12 4 16, मतलब 4:48 जिसमें भी हो रहा होगा ना वो समय हमारा बिल्कुल सही है, और ये दिखा रहा है हमें ऑप्शन डी, तो ये भी कुछ सेकंड का सवाल था, ज़्यादा दिक्कत इसमें भी नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे इन टुकड़ों को मिला करके हम कौन सी आकृति बना सकते हैं, बी मिला सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान दोगे तो ये समझ में आ जाएगा। 94 सवाल अच्छा है, इसको थोड़ा करने में मज़ा आएगा, देखिए कैसा आता है, बताना एक पारसे की 4 पोजिशन दी हुई हैं और 6 के विपरीत कौन सा नंबर होगा ये हमें बताना है, तो आप ये ध्यान रखो एक नियम पारसे में ये होता है कि जो भी सामने सामने दिख रहे हैं, जैसे ये नंबर यहाँ पे कौन कौन से दिख रहे हैं, 6 2 और 3, इसका मतलब ना तो 6 के अपोजिट 2 जा सकता है ना 3 जा सकता है, तो 6 को आधार बना लेते हैं। अब इसके अपोजिट कौन कौन नहीं हो सकता है, 3 नहीं हो सकता इसका अपोजिट, और 2 भी नहीं हो सकता इसका अपोजिट, और क्या नहीं हो सकता, यहाँ पे देखेंगे तो 2 और 4 नहीं हो सकते, 2 को तो ले चुके हैं, 4 भी नहीं हो सकता इसका अपोजिट, ठीक है। अब यहाँ पे चलते हैं, 6 के अपोजिट 4 भी नहीं है, तो 5 भी तो नहीं है 6 के अपोजिट। अब आप देखो कौन से नंबर आ गए हमारे पास, 6 नंबर होते हैं पास में, 6 ताल होते हैं, 6 को अलग अलग नंबर अगर हम देते हैं तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे दे देंगे, 6 में से 5 हमारे सामने ऑलरेडी आ चुके हैं, फिर बचता है 1 जो कि 6 के अपोजिट होगा, ये हमारा आंसर, तो ऑप्शन ए करेक्ट, कितना आसान था। ओके, अब यहाँ पे देखिए श्रृंखला को पूरा करना है, तो 4 2 का वर्ग 3 का वर्ग 3 4 2 का वर्ग 3 का वर्ग 5 का वर्ग 7 का वर्ग कर दो, ओके, तो 49 ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब वो 96 कुछ कह रहा है, 96 में क्या है भाई,
96 कहता है कि ए बी डी के बच्चे हैं, ठीक है जी, ए और बी जो हैं वो डी के बच्चे हैं, ए का पिता कौन है ये पता करना है, ये जानने के लिए मुझे किस कथन की आवश्यकता होगी। तो सी ए का भाई है, उसने कहा कि सी जो है वो ए का भाई है, ठीक है, सी यहाँ आ गया, ये भी सी पढ़ी होगा, तीनों सब एक ही पढ़ी हो गए, ओके। तो अब क्या करना है, सी का भाई है और ई का पिता है, तो ई का पिता होने से क्या फर्क पड़ रहा, ई चलो अभी पढ़ी में चला गया, तो हम तो नहीं बता सकते कि मतलब ए का पिता कौन है, इससे इससे तो कुछ भी साबित नहीं हुआ, इसकी ज़रूरत है ही नहीं पहले स्टेटमेंट की। दूसरा क्या कहता है, एफ ए की माता है, अब ए की माता का पता चल गया, दूसरा पेरेंट तो हमें पता है डी है उसका, तो एफ अगर माँ हो गई तो डी क्या हो गया, बाप हो गया, तो सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन टू की हमें ज़रूरत है, स्टेटमेंट टू की ज़रूरत है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आप देखिए 97, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम करते हैं विज्ञापन, उसके बाद आता है आवेदन, तो 5 के बाद आएगा 6, 6 के बाद क्या आएगा साहब, साक्षात्कार करेंगे हम, दूसरा आ जाएगा, उसके बाद क्या करेंगे चयन करेंगे हम, तो 3 आ जाएगा, ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे चयन के बाद नियुक्ति देंगे, तो 5, 6, 2, 3 क्या आएगा, नियुक्ति हो जाएगी, तो 4 आ जाएगा, उसके बाद लास्ट अवस्था परिवीक्षा, ठीक है, तो ये आएगी सबसे लास्ट में, और ये क्रम दिया हमें ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी हमारा आंसर बनेगा, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 98, अजय के पास 480 रुपये हैं, इनमें से 1 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपये के नोट हैं, 3 मूल्यवर्ग के नोटों की संख्या बराबर बराबर है, तो क्या कर सकते हैं, उसके पास नोटों की कुल संख्या कितनी होगी, 90 होगी, इनमें से 30 नोट तो 30 रुपये वाले होंगे, 1 रुपये वाले होंगे, तो इसका मतलब 30 रुपये के तो 1 रुपये वाले नोट हो गए, उसके बाद बचता है क्या, 30 नोट होंगे 5 वाले, तो 150 रुपये उसके पास ही हो गए, और 30 ही नोट होंगे उसके पास कौन से, 10 रुपये वाले, ठीक है, 30 × 10 इनके 300 ही हो गए, टोटल कितने हो गए, 480, तो ऑप्शन डी कंफर्म हो चुका कि यही राइट आंसर है। अब 99 पे चलते हैं, हमारा कविता एक ही कक्षा में पढ़ते हैं, ठीक है, हमारे ने एक दिन में 225 पृष्ठ की पुस्तक के 80 पृष्ठ पढ़ लिए हैं, और कविता ने क्या किया, 2/5 पढ़ लिए हैं, 2/5 का मतलब क्या, 45 × 2 90 पढ़ लिए हैं उसने, कविता ने पढ़े 90 और अमर ने पढ़े 80। अब स्टेटमेंट देखो, अमर ने कविता से अधिक पार्ट पढ़े हैं, नहीं सही नहीं है, कविता ने अमर से अधिक पार्ट पढ़े हैं, बिल्कुल सही है, अमर ने कविता से 35 पृष्ठ अधिक पढ़े हैं, नहीं, ए और बी दोनों सत्य है, हो ही नहीं सकता, तो सिर्फ और सिर्फ बी सत्य है, ओके। आगे देखिए, ये 100 सवाल है, और यहाँ पे कहा गया कि इन दो चिन्हों को हम आपस में बदल दें तो हमारा आंसर बिल्कुल सही हो जाए, यानी कि जो पहला हाफ है लेफ्ट हैंड साइड उसकी वैल्यू भी 80 हो जाए, तो हम क्या करेंगे प्लस से माइनस को चेंज कर लेते हैं, ठीक है, तो प्लस क्या है यहाँ पे, प्लस है, इसको कर देते हैं -26, तो हमें मिल जाएगा ये 19 × 4 -26, और उसके बाद क्या 13, और ये आ गया प्लस, ओके 6, ये हो गया। अब बॉड मास लगाएंगे, तो सबसे पहले इसको खत्म करेंगे क्योंकि यहाँ पे भाग आ गया, इसके बदले क्या आ जाएगा 2, ठीक है, उसके बाद किसको हल करेंगे हम, इसके बदले तो आ गया 2, तो -2 कर दिया हमने, +6 रखा नहीं दिया, और इधर इसके बदले क्या आ जाएगा भाग के बाद, तो फौरन बाद हम मल्टीप्लाई पे पहुंचेंगे बॉड मास के हिसाब से, तो 76 ये आ जाएगा, तो 76 - 2, 76 + 6 कर लो, अब प्लस करना है हमें मल्टीप्लीकेशन के बाद, तो ये कितना होगा 82 - 2 यानी कि 80, तो ऑप्शन 4th बिल्कुल सही है, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आपको बहुत सारे और डीएलएड और बीएड के क्वेश्चन पेपर हमारे चैनल पे मिल जाएंगे, क्योंकि इस पे जो है हमारे सबसे ज़्यादा काम है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।